बाहर तो आ गए और गर्मी इतना है, तो सोचा बाहर आ गए तो हम लोग थोड़ा गन्ने का जूस पी लेते। और ये अंकल को देख के उतना डेंजर दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है, गोली को दी इसने नहीं पिया। और ऊपर देखिए उतना सारा आइस है, मेरा मुंह में आइस ही आइस, फिर क्या करूँ, फेंक नहीं सकती हूँ, करके पी ली। फिर हम लोग किधर जा रहे हैं गुना बताएगा, आप लोग उसका मुँह से ही सुन लीजिए। तो जाने के टाइम एक साइकिल में मेरा पैर में ना लग गया, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, गुना को पता नहीं मेरा पैर में लगा है। फिर हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए गाड़ी में कितना सारा टेढ़ी है ना, इसलिए दिखाई, गुली मुझे दिखाई थी इसलिए मैंने आप लोग को दिखाई है। और इस साइड में देखिए वो जो दिखाई दे रहा ना बड़ा वाला बिल्डिंग, यही बिल्डिंग में यही बड़ा मार्केट है, मच्छी मार्केट, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और कितना सारा कंटेनर देखिए रोड से रखा हुआ है। मुझे इधर आके दो बारी मैं आई, जब से चेन्नई आई उस वो टाइम से लेके अभी तक दो ही दो बार आई। उतना भीड़ है देखिए, कितना सारा बाइक है, लग रहा है फ्री में मच्छी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा कम में मच्छी मिलता है इधर। और ये मच्छी मार्केट का पार्किंग है, ऊपर जो है दिखाई दे रहा ना, ऊपर है आपका मच्छी मार्केट और नीचे पार्किंग है। पता नहीं पार्किंग के लिए पैसा ले रहा है नहीं ले रहा है, सच में मुझे पता नहीं। आज मैंने बैग लाने के लिए भूल गई, इसलिए मुझे बैग लेना है। देखिए आए भैया का हाथ में है ना, ऐसे टाइप का मैं मुझे बैग लेके जाना है। मैंने पैसे से ले ली। इधर गुली और प्रिंस सॉरी गुना जा रहा है आगे। गुली को दो मैंने चोटी डाल दी क्योंकि बहुत ही गर्मी है, और पीछे का बाल ना सामने लेके आके नहीं होता चोटी डालने के लिए। और इधर उतना पानी है, उतना पानी है, और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा मच्छी लूँ क्या लूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उतना मच्छी है। और इधर देखिए कितना सारा भीड़ है, क्यों पता है, इधर ना ये झींगा मिल रहा था छोटा छोटा, उसका सर नहीं है, तो इसलिए सब लेने के लिए उधर भीड़ रखा था। मैंने देखे आके मैंने सोचा दूसरा कुछ मच्छी होगा, कितना सारा कंटेनर है देखिए, मतलब कंटेनर देख के मुझे उतना खुशी हो रहा है, सोच रही हूँ कितना सारा मच्छी आता होगा इधर, उतना सारा नीचे पानी भी है। इसलिए मैंने गुली को बोली थी धीरे धीरे चलो, मच्छी देखी उतना बड़ा बड़ा मच्छी, मुझे इसका नाम पता नहीं है, आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मुझे ना ये मच्छी एक अंकल ने एक मच्छी लिया था, तो उन्होंने ना मच्छी को पकड़ के देखिए लेके जाने के लिए नहीं, वो बहुत टाइम तक कोशिश कर रही थी, और मैं बहुत हंस रही थी उधर साइड में, जिन लोग भी था उन लोग भी हंस रहा था, तो उनको देख के उतना हंसी आई, देखिए मच्छी को मार के देर के लेके गए। इधर से फिर हम लोग मच्छी लेने के लिए रुके, इधर भी उतना भीड़ है। फिर मैं मोबाइल ले गुना के पास बैग दे के मैं मोबाइल ले ली मैं वीडियो करने के लिए। फिर गुना जाके मच्छी लेके आई। इधर हम लोग 2 किलो लिए थे, 2 किलो लिया तो हम लोग को 2-3 दिन जाएगा करके, छोटा छोटा मच्छी 2 किलो ले ली, उधर से ही क्लीन करके लेके आई। और उधर कैसे क्लीन करते सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी। इधर का भी ये सिस्टम बहुत अच्छा है क्लीन करने का, हमारा उधर तो क्लीन करके दुकान से दे देता है, लेकिन ये होलसेल मार्केट जैसा है करके इधर क्लीन करके नहीं देता है, बाहर उन लोग क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है, कितना क्या लेता है, मैं बाद में आप लोग को दिखाती हूँ। इधर देखिए उधर भी उतना सारा भीड़ है, और इधर बहुत कम में मच्छी मिलता है, इसलिए सब इधर आ जाता है, और डेली खुला हो रहता है। और इधर बहुत मच्छी देखी जो कि मैंने नाम पता नहीं, पहले से मुझे मच्छी का उतना नाम पता नहीं है, अभी भी उतना पता नहीं है। इधर से एक पूरा फुल मच्छी ले ली हम लोग ने, और सबसे ज़्यादा मुझे खाना खाने के बाद पता चला ये मच्छी का टेस्ट मुझे बहुत पसंद आई, मुझे नहीं सबको। और इधर नाला जो दिख रहा है ना, इधर बहुत सारा मच्छी गिरा हो रहा था, ऐसे ही फेंक देता है, उससे अच्छा किसी को दे देगा तो अच्छा है ना। ये लोटे माछ कम से कम मैं 2 साल के बाद मुझे मिला, इसलिए मैंने ले ली, बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा था। सबके पास दिखा है तो बोल रहा है ये अच्छा मच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है, और मुझे पता है इसको कैसे बनाना है। इन लोग इसको थोड़ा क्या है ना, मतलब जान नहीं है जैसा मच्छी में था करके इन लोग सोचा अच्छा नहीं है। फिर मैंने आगे जा रही थी तो गुना ने बोला 1 मिनट रुको रुको, मैंने बोला क्या हुआ, तो इधर ना वज़न करने का मशीन देखा, गुना ने बोला हम पूरा मच्छी कितना लिए एक बार देख लेते चेक करते, तो इधर एक मशीन रखा हुआ था, गुना ने चेक किया पूरा मच्छी का, देख सकते आप लोग कितना है, 5 किलो 800 हुआ है, 5 किलो 660 ग्राम हुआ है, तो सोचिए उतना सारा मच्छी लिए। तो इसमें से कुछ हम लोग कट करेंगे तो भी निकल जाएगा, और अभी दिखा रही हूँ मैं, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, बाहर का जो है वो अलग है, और इधर पूरा जो दिख रहा है ना, जो हम लोग मच्छी लेके आ रहे हैं पूरा इधर कट कर रहा है, और ये फ्री में कट नहीं कर रहे हैं, इनके लिए 1 किलो का कुछ चार्ज ले रहा है। और सच में बोलूँ तो ये भी एक मस्त बिजनेस है, जितना मच्छी का दुकान में भीड़ नहीं है उससे ज़्यादा इधर भीड़ है। एक बार में मच्छी कट करके लेके जाओगे तो घर में जाकर उतना टेंशन नहीं होता ना, तो मुझे इधर का ये भी एक बहुत पसंद आई।
कि मच्छी उधर से लो, इधर से आके कट करो, इजी भी है, प्लस इन लोग को भी थोड़ा इनकम है। और ये जो दुकान दिख रहा है ना साइड में, इससे पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम आई थी इधर से कट की, आज भी मैंने इधर आ गई कट करने के लिए, क्योंकि इधर थोड़ा सामने है करके। इधर मैंने मच्छी दे दी, हमारा बड़ा मच्छी देखिए, और फिर बाद में गुना ने जाके वो मच्छी साइड में दे दी। और ये देखिए मैं जो बोला ना पतला मच्छी, इसमें इन लोग बोल रहा है कि अच्छा नहीं अच्छा नहीं। मैं गुना को बोल रही थी छोड़ो, इन लोग को पता नहीं मच्छी के बारे में, मैं खाऊंगी मुझे पता है, छोड़ दो। इधर गुना ने क्या किया, मच्छी पूरा डाल के उन लोग को दे दी, और थोड़ा लेट भी हुआ क्योंकि बहुत सारा मच्छी कट कर रहे थे इधर। आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा उतना सारा मच्छी है, जो कि हम लोग बोल नहीं सकते उतना सारा इन लोग काम करते हैं। इधर एक बात मैंने नोटिस की कि लड़का से लड़की लोग ज़्यादा काम कर रही है कटिंग वीटिंग। लड़का लोग तो आओ 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 दे जाओ ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कर रहे हैं इन लोग, और लड़की लोग उतना तेज़ में कट कर रहा है। देखिए हमारा उधर से ये माने मतलब लगता नहीं है, दूसरा चीज़ से कट करता है, और इधर ये से कट कर रहा है, जिधर जिधर जो है वैसे ही। देखिए उन दोनों सिस्टर लोग उतना अच्छे से कट कर रही है, तो क्या करेगा बोलिए, जिधर जैसा रूल्स ऐसे तो चलना पड़ेगा ना। इधर गुना पूरा बैग से निकाल ली, और छोटा छोटा मच्छी जो भी था निकाल के, झींगा जो था ना, झींगा मैं बोल रही थी छोड़ो, झींगा घर में लेके जाके मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि झींगा जिधर क्लीन हो रहा था उधर ना बहुत ही सारा वो दीदी ने बहुत सारा झींगा क्लीन कर रही थी, इसलिए मैंने बोला छोड़ो मैं कर लूँगी। फिर आ गए हम लोग जूस पीने के लिए, क्योंकि जाने के टाइम भी देखा आप लोग ने गन्ने का जूस पिया, और आने के टाइम बाहर का खाना कुछ खाएंगे तो घर जाके क्या खाएंगे करके गुना ने बोला, जाने के टाइम दोनों दो ग्लास वाटरमेलन जूस पी के जाते। और गुली प्रिंस के लिए भी मैंने एक जूस ले ली, क्या जूस मैं बाद में जाके आप लोग को बताती हूँ। इधर गुली भी इधर आके नहीं पी, और आज बहुत ही लेट हो गए, पता नहीं घर जाके खाना कितने बजे बनाओ खाओ कब, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा है। गुली ने इधर एक बलून ले ली, एक बार मेरा बैग में लग रही है रख रही है, एक बार फू मार के बलून को ये कर दी। आजकल क्या क्या सेक निकला देखिए, ऑडियो सेक ये वो, और गुली ये तो लेके बहुत मज़ा कर रही थी, मुझे उतना डिस्टर्ब नहीं की, इसलिए मैंने चुपचाप हो गई। आज तो मेरा हालात बहुत ही ख़राब होने वाला है, क्योंकि बाहर बहुत ही धूप है। गुली को बीच में लेके गई थी, उसको उतना धूप लगने नहीं दी, क्योंकि मुझे उतना मुश्किल होगा तो बोल नहीं सकती उतना क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, इसलिए मैंने उसको अच्छे से लेके जाके अच्छे से लेके आई घर जाके। फ्रेंड्स खाना बनाना है, सच्ची में बोलूँ आज के बाद से मैंने सोच ली कभी बाहर जाना है तो क्या करूँगी, पहले से खाना बना के बाहर आऊँगी, कि उस दिन का खाना बनाना ये सब नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो अच्छे से घर में खाना बिना बना के फ्री होके आना है, कि घर जाके खाना बनाना ही बना ये सब टेंशन नहीं होना है। फिर चलो मैं घर में जाती हूँ, घर में जाके क्या क्या करती हूँ आप लोग को बताती हूँ बाद में। देखो गुना इधर दो जूस के बदले में तीन ले ली, वो भी मेरे से चेस करके पी रही थी। तो चलो घर जाके आप लोग से बात करती हूँ। घर आ गए, घर आके इधर देखा तो प्रिंस नीचे खेल रही थी, और ना ये बाजी जो होता है ना बम, तो नीचे आके इसने फोड़ा, उसके लिए मैं चिल्ला रही थी ऐसे मत करना, घर में कोई नहीं है क्यों ऐसे कर रहा है ये वो, तो इसने थोड़ा उसको थोड़ा डराई, तो गुना ने बोल के गया ओके करके छोड़ दिया कि उतना भी नहीं बोलना है करके, बोला चल ऊपर चल तेरा है। फिर हम लोग सब ऊपर गए, फिर बोला क्या लेके आए, मैंने बोला तेरे लिए ड्रैगन जूस लेके आए। गुली इधर रो रही थी क्योंकि गुना रिटर्न जा रही थी उसका मम्मी के पास, उसका मम्मी के पास से कुछ लाना है करके। तो हम लोग आ चुके हैं घर, अभी देखिए उतना सारा मच्छी है, किचन भी बहुत गंदा है, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। गुली चप्पल खोलो, बहुत थक चुकी हूँ, पहले कपड़ा चेंज करूँगी, कपड़ा चेंज करूँगी, क्यों पता है मच्छी गिच्छी का स्मेल होगा, तो नहीं होगा तो भी चेंज कर लेती हूँ, हाथ पैर धो लेती हूँ, जल्दी से जल्दी खाना बना लेती हूँ। दो बज गया, दोपहर का दो बज गया सोचो। तो आने के टाइम टोमेटो और ऑनियन बहुत सस्ते में दे रहा था, वो लेके आई, और ये है प्रिंस का ड्रैगन जूस। ड्रैगन जूस तो ये है लोटे मच्छी, आप लोग को इसका नाम पता है तो प्लीज़ बताइए, ये बहुत नरम होते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये है दूसरा मच्छी, बड़ा मच्छी, और उससे थोड़ा सा जो छोटा साइज़ का था वो रख दिए, दूसरा टाइम बनाएंगे। आज मैंने झींगा बनाई हूँ और लोटे मच्छी बनाई हूँ, झींगा का सब्जी रेडी है, चावल भी रेडी है, जब लोटे मच्छी बनाना है और गुना आएगा तो खाना खाना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय, लव यू ऑल।